चेहरे हाथ पैर की जमी हुई मैल को निकालना चाहते हैं, अपने स्किन को स्पॉटलेस और ब्राइट करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आज का ये बहुत ही इजी और सिंपल रेमेडी ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको उसके लिए लेना है पका हुआ केला, ऐसा केला जो गल जाता है, उसको आपको केला को अच्छे से मैश करके लेना है। फिर उसमें आप ऐड करें 1 चम्मच चीनी यानी कि शुगर, शुगर बहुत ही बढ़िया हमारा दोस्तों स्क्रबर का काम करता है। फिर 1 चम्मच हनी यानी कि शहद ऐड कर दें, और फिर आपको ऐड करना है 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। यहाँ पर मैंने 2 रुपये वाला कॉफ़ी पाउडर का पाउच लेकर के उसको मिक्स कर दिया है। बेस्ट आपका डिटैन फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। इससे आपको रोज़ाना नहाने के पहले बहुत ही अच्छे से फेस पे, हाथ पे, गर्दन पे, जहाँ पे भी मन करता है आपको अच्छे से लगाएं, मसाज करें कुछ देर तक। और दोस्तों मसाज करने के बाद जब आप नहाने जाते हैं उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। दोस्तों करके देखिए इतना बेस्ट रिजल्ट आएगा कुछ ही दिनों में। 15 दिन तक ट्राई कीजिए, एकदम से स्पॉटलेस ब्राइट और लाइट स्किन हो जाएगा। देखने वाले ज़रूर पूछेंगे कि क्या लगाते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। हाथ पैर की जमी हुई मैल को मिनटों में साफ़ करेगी आज की ये मैजिकल रेमेडी दोस्तों, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत इफेक्टिव है, आपको उसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आपको एक बर्तन में लेना है 1 पाउच जो है कॉफ़ी यानी 1 चम्मच कॉफ़ी, 1 चम्मच उसमें आपको एलोवेरा जेल डाल देना है, उसको मिक्स करना है। फिर आप इसमें ऐड कीजिए 1 चम्मच बेसन, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। नेचुरल आपका जो है होममेड स्क्रबर रेडी हो जाएगा। इसकी मदद से आप अपने हाथों पर पैरों पर लगा करके अच्छे से आपको 7 से 8 मिनट तक रखिए। फिर उसके बाद अच्छे से हल्के हल्के हाथों से आपको स्क्रब करना है, अच्छे से हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है ताकि पैर हाथ का जो डेड सेल्स है वो निकल जाए और आपका हाथ पर एकदम से खूबसूरत और खूबसूरत हो जाए। वीक वेस्ट रेमेडी को 2 बार ट्राई करिए और अच्छे से इसको दोस्तों 7 से 8 मिनट तक वॉश करने के बाद धो लीजिए, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा स्किन हो जाएगा। ट्राई करिए, अच्छा लगे तो लाइक करें। इंटरनेट पे ये वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है, हाथ पैर को साफ़ करने का तरीका, हाथ पैर को गोरा करने का तरीका इंस्टेंटली आपके स्किन में निखार आ जाएगा। मैंने भी ट्राई किया और बेस्ट रिजल्ट मिला। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, उसमें मैंने 1 चम्मच डाल दिया है एलोवेरा जेल, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया दोस्तों। इंस्टेंट आपका स्क्रबर रेडी हो जाएगा। इससे आप अपने जहाँ पर भी आपको मैल है, हाथ पैर में, फेस में, गर्दन में, सभी जगह पर आपको इसको अच्छे से अप्लाई करना है, मसाज करना है, और फिर मसाज करने के बाद दोस्तों इसको आपको अपने स्किन पे ज़रूर लगा रहने दे कम से कम 10 से 15 मिनट तक, उसका नॉर्मल वाटर से वॉश कर ले दोस्तों, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलता है। इंस्टेंटली आपका स्किन निखरा निखरा सा दिखेगा, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। अपने रंग को साफ करने के लिए एलोवेरा जेल को किस प्रकार से आप अपने स्किन पे लगाएं जिससे आपके रंग साफ हो, स्किन ब्राइट हो, आपको लेना है एलोवेरा जेल। तो यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच एलोवेरा जेल ली है, उसमें कम से कम 2 से 3 बूंदे जो है आपको टमाटर के रस के डाल देने हैं और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है दोस्तों। टमाटर का रस हमारे स्किन ब्राइटनिंग में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद आपको लेना है इसमें जैतून का तेल, तो 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल मिक्स कर दिया है। ऑलिव ऑयल भी दोस्तों हमारे स्किन के रंग को बहुत ही साफ़ करता है, स्किन ब्राइटनिंग में हेल्प करता है। आप रात को सोने के पहले पूरे फेस पे, चेहरे पे, जहाँ पे भी आपको मन करता है वहाँ पर लगाएँ। ये हमारे स्किन को बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम करने के साथ साथ ही बहुत ही लाइट और ब्राइट करता है। फटी हुई एरियो के लिए भी वरदान होता है, तो रात में सोने के पहले फटी हुई एरियो को भी लगाएं। लगाने के बाद मालिश जरूर करें स्किन पे या फिर फटी हुई एरियो पे, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। कुछ दिन करके देखिए, बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है ये।